शहर में गुरुवार को महिलाओं का खास त्यौहार माने जाने वाले गणगौर पर्व की धूम रही। नवविवाहित युवतियों ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और परिवार की खुशहाली मांगी। इस दौरान सुभाष उद्यान में शहर की कई महिलाओं ने सज धज कर शिव पार्वती के रूप की पूजा की और गणगौर माता के गीत गाए। खासतौर पर नवविवाहित युवतियों में पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर महिलाओं ने नृत्य कर अपने पसंदीदा त्यौहार की शुरुआत की और व्रत रखा। महिलाओं ने लगातार 16 दिन तक प्रातःकाल पूजा अर्चना कर शाम को पानी पिलाने की रस्म अदा की। उसके बाद विधि विधान अनुसार गीत गाए गए और बिंदोले लिए। महिलाओं ने सिर पर झेरे लेकर मंगल गीत गाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली। नव युवतियों ने पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपने मन स्वरूप आकर्षक श्रृंगार किया और एक दूसरे को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर के कॉलेज रोड, अजमेर रोड, सेंद्रा पाली बाजार तथा मसूदा रोड सहित अन्य स्थानों पर गणगौर स्थापना कार्यक्रमों की धूम रही। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं सिर पर जेले लेकर बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। गुरुवार को गणगौर उद्यापन कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। गणगौर हमारा एक भारतीय त्यौहार है। इसमें हम 16 दिन गणगौर माता की पूजा करते हैं, अपने सुहाग के लिए कामना करते हैं, सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और हम इस दिन तैयार होके जेल वगैरह लाती है, 16 श्रृंगार करती हैं और माँ गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर हमारा हिंदू रिवाज के अनुसार हम गणगौर की 16 दिन पूजा करते हैं और उसमें बिनोरा वगैरह गीत वगैरह सारे और सारे अच्छे से प्रोग्राम होते हैं। 16 श्रृंगार करते हैं और गणगौर के दिन हम जेले लेने हमारे उद्यान में जाते हैं, वहीं से हम फूल वगैरह ये हमारे कलश सजा के फिर घर आते हैं, गणगौर की पूजा करते हैं, फिर सभी सहेलियां वगैरह मिलकर हम गीत वगैरह गाते हैं और फिर साथ में खाना वाना सारा बहुत मजा करते हैं, मस्ती करते हैं और ये हमारा बहुत अच्छा एक त्यौहार है। उसमें हम हमारी सखी सहेलियां मिलती हैं और सुहागिनें अपनी पहली गणगौर मनाने पीहर जाती हैं और 16 दिन तक बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि सातों जन्म हमें यही मिले। ये हम होली के अगले दिन से लेकर राम राम से लेकर गणगौर के दिन तक 16 दिन पूजते हैं। ये सुहागिनों का सबसे बड़ा एक त्यौहार है। इसमें सारी सुहागिनें 16 दिन तक डेली गणगौर की पूजा करती है। अभी भी हम घर जाकर यहाँ से गार्डन से फूल लेकर जा रहे हैं, भगवान की पूजा करेंगे और कामना करते हैं कि हर जन्म में हमें यही सुहाग मिले और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। ये एक सुहाग का पर्व होता है। इस बार तो लेकिन कोरोना की वजह से इतना अच्छे से हम नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, लेकिन भगवान से यही कामना करते हैं कि अगले साल और हर साल बहुत अच्छे से हम ये सेलिब्रेट कर सकें।